प्रधानमंत्री के माध्यम से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कम्युनिटी को, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि कल कुछ स्पेशल पैकेज उनके लिए होगा। हम लोग खुद एनडीए का हिस्सा भी हैं, लेकिन उसके साथ में जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आज आ रही है, फ्लैग्स जितनी भी स्कीम्स आती है, चाहे वो उज्ज्वल स्कीम हो, चाहे वो जनधन स्कीम हो, स्वच्छ भारत के रिलेटेड जो भी स्कीम्स ऑल ओवर इंडिया आती है, एक भी स्कीम में कश्मीरी पंडितों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जो भी माइग्रेंट्स कश्मीर से होके आ गए, हिंदूज जो भी आ गए, उसमें किसी के ऊपर भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ना वो स्कीम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, ना उनको उसका कोई फायदा मिल रहा है। जब हम एक साइड से कहते हैं, हम भी खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, एक साइड से हम लोग कहते हैं कि डेढ़ लाख रुपए जो इनका आता है, 13,000 पर मंथ के हिसाब से, 1.5 लाख से ऊपर जाता नहीं है। दूसरे साइड से हम लोग खुद ही गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि 8 लाख से नीचे जो भी है वो बिलो पावर्टी लाइन में है। अगर 8 लाख से नीचे बिलो पावर्टी लाइन में है तो हम लोग कहाँ पर आते हैं? हम BPL में है, हम AAY में है, हम किस में है? कम से कम अगर BPL में आते हैं, BPL या AAY में आने से इससे 10 बेनिफिट्स मिल जाते हैं। BPL में आने से आपका उज्ज्वल योजना में आप इंट्रोड्यूस हो जाते हो, आपके घर में गैस कनेक्शन हो जाता है जीरो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, वो सब्सिडी के माध्यम से उसकी रिटर्न उतर जाती है। उसके साथ में आपके यहाँ पर बाकी डिफरेंट स्कीम्स आ जाती है, आपके बच्चों को बेनिफिट मिल जाता है BPL के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है जो मेडिकल फैसिलिटीज है, अगर आपके पास BPL या AAY कार्ड है, उसके माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल जाता है ऑल ओवर इंडिया किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं कि दो स्कीम्स आर नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड, नेदर दे आर मेंट फॉर दैट क्लास विच हुज इनकम इज बिलो 8 लाख रुपीज, द इनकम इज मेयर 1.50 ओनली। सो हम लोग दिल्ली जाकर भी, मैं अपने नेता माननीय पासवान जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर, आजकल पार्लियामेंट चल ही रहा है कुछ टाइम के लिए, जो बजट सेशन आया है, बजट के माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई प्रावधान हो जिसमें हमारा, अगर अपर कास्ट के लिए 10% की रिजर्वेशन रखी है तो उसमें अपर कास्ट में अगर कश्मीरी हिंदूज आते हैं, इन पर्टिकुलर कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली के, तो उसके लिए प्रावधान रखा जाए और उसके माध्यम से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए।